आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी आज की यह वीडियो हमने कमेंट के ऊपर बनाई है। एक दीदी का कमेंट है कि दीदी सीएलएफ के अंतर्गत सीएलएफ मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है और हमने उसमें आवेदन किया है, तो सीएलएफ मैनेजर की जो लिखित परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्लीज उसके बारे में एक वीडियो बनाइए और हमको बताइए। तो आज की वीडियो मैंने इसी कमेंट के ऊपर बनाई है। तो दीदी आज की इस वीडियो में हम आप सभी दीदियों को संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत सीएलएफ मैनेजर की लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दीदी देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, सीएलएफ में एक माह में कितनी बैठक होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एक माह में 2 बार, यानी संकुल स्तरीय संघ की जो बैठक होती है एक माह में 2 बैठक होती है। एक ईसी बैठक होती है और दूसरी वित्तीय बैठक होती है। ठीक दीदी, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सीएलएफ की आर्थिक बैठक होती है। तो सीएलएफ की आर्थिक बैठक जो होती है माह में 1 बार होती है। उसके बाद प्रश्न 3 है, सीएलएफ बुककीपर देखता है। तो सीएलएफ बुककीपर जो होता है सीएलएफ की सारी गतिविधियों का हिसाब रखता है। संकुल स्तरीय संघ के जितने रजिस्टर होते हैं सभी रजिस्टर का लेखांकन करता है। ठीक है दीदी, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सीएलएफ के पदाधिकारियों को कौन हटा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दीदी। तो दीदी देखिए, सीएलएफ में जो पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष, इनको कौन हटा सकता है, किसके पास पावर होती है पदाधिकारियों को हटाने की? तो दीदी देखिए, उत्तर है इसका सीएलएफ की कार्यकारिणी समिति द्वारा। अगर सीएलएफ की कार्यकारिणी समिति चाहे तो अपने संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों को हटा सकती है। ठीक है, उसके बाद दीदी अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सीएलएफ की संविधिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए? तो दीदी देखिए, सीएलएफ का जो है संविधिक ऑडिट जो है वर्ष में 1 बार होता है और वर्ष में 1 बार सीएलएफ की संविधिक ऑडिट होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है दीदी, मैथ से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, 12,000 रुपए को 6 लोगों में बांटने पर कितनी धन राशि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी? यानी 12,000 रुपया है और 6 लोगों में बांटना है, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी धन राशि मिलेगी? जब इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो क्या करना है, भाग देना है। 12,000 में 6 से जब आप भाग दे देंगे तो पूरा उसमें निकल करके आ जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना कितना रुपया पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो है 2,000 रुपया प्राप्त होगा। तो दीदी भाग कैसे देना है, तो यहाँ पे देखिए 12,000 लिख देते हैं, तो 6 × 12 कट गया। अब ये जो 0 है यहाँ 2 के ऊपर हम उतार दे रहे हैं तो कितना हो गया, 2,000। इसी प्रकार से आप लोग कर सकती हैं। तो दीदी भाग देने का दूसरा भी तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, पता है काहे की नहीं। तो 12,000 में 6 से भाग देना है तो 6 × 12, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे 3 0 है तो भाग जाएगा नहीं, तो तीनों 0 को जो है हम यहाँ पे सामने उतार दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीनों 0 जो है ले जा करके 2 के सामने उतार देंगे, 2,000 रुपया निकल करके सामने आ जाएगा कि 12,000 रुपये में जब हम 6 लोगों में बंटवारा करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 2,000 रुपया पड़ेगा। ठीक है दीदी, उसके बाद अगला प्रश्न है, 15,000 रुपये में से 4,000 घटाकर उसको 11 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धन राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पे दीदी देखिए, 15,000 रुपया है, इस 15,000 रुपये में से जब हम 4,000 घटा देंगे तो यहाँ पे कितनी धन राशि बचेगी, तो 11,000 रुपये की धन राशि बचेगी। तो उस 11,000 रुपये में हमको जो है 11 लोगों में बांटना है, तो 11,000 है तो 11 लोगों में बांटना है, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में
1,000 रुपए की धनराशि पड़ेगी। ठीक है दीदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, 42 × 42 × 42। तो यहाँ पर जो है आपको गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 7,488। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, MCP क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दीदी MCP। तो MCP जो होता है माइक्रो क्रेडिट प्लान होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, डे एनार्लम का नाम कब संज्ञान में आया? तो दीदी देखिए, पहले इस योजना का नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हुआ करता था, यानी एनार्लम। लेकिन बाद में जो है सरकार के द्वारा इस योजना का नाम बदल दिया गया, डे एनार्लम कर दिया गया। तो यह नाम नवंबर माह 2015 में संज्ञान में आया, इस नाम का परिवर्तन किया गया। तो दीदी CLF मैनेजर की नौकरी में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे और इसमें 4 विकल्प रहेंगे। चारों में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना होगा। तो इसमें हम जो है आपको एक एक प्रश्न उत्तर के बारे में बताए हैं, लेकिन कॉपी जब आपको मिलेगी तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। तो दीदी आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों को बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी। और हाँ दीदी, आप सभी के कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी दीदियों को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।